अच्छा हम बात कर रहे थे कह, हम कंपेन uh, किस तरह से क्रिएट करते हैं हमने तीन तरह की क्रिएट करके कर देखी है कंपेन के एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल में कीवर्ड की जो कीवर्ड्स uh, के पॉइंट व्यू से दो तरह से हम क्रिएट करते हैं वो हमने क्रिएट करके देखी है नेक्स्ट पीछे से तो मैथड से मैथड के ठीक है अभी अगर हम बात करें मैनुअल टारगेटिंग की तो मैनुअल टारगेटिंग में हम क्या करेंगे कि सेम कंपेन का यानी कि मैनुअल टारगेटिंग हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए कीवर्ड के पॉइंट व्यू से हम पहले बात कर चुके हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग हम किस तरह से ऐड करते हैं अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट टार्गेटिंग ठीक है प्रोडक्ट टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे सबसे पहले मैं बात बताती जाऊं आपको कि देखें एंटर लिस्ट में कीवर्ड पुट करने के बाद जब हम यानी कि ये क्रिएट कर रहे होंगे ना <takes> एक सेकेंड ये कीवर्ड टारगेटिंग जब हम कर रहे होंगे तो एंटर लिस्ट में ये कीवर्ड्स ऐड करने के बाद जब हम कीवर्ड ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे ब्रॉड ब्रॉड के सामने वाले वर्ड शो हो रहे होंगे फ्रेज के सामने फ्रेज वाले और एग्जैक्ट के सामने एग्जैक्ट वाले ठीक है अभी हमने क्या करना है कि की लिस्ट में कीवर्ड पुट करने के बाद तीन से चार दिन तक चेक करूंगी मैं ठीक है जिस कीवर्ड पर अच्छी अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा ना यानी ज्यादा क्लिक्स आएंगे और आर्डर भी आएंगे तो उसमें तो उसमें यानी उस कीवर्ड को यानी मैच टाइप में देखूंगी ठीक है मैं मैच टाइप में ही जो है ना मुझे नजर आ रहे होंगे ये देखिए मैच टाइप है ना और ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट की वर्ड के सामने मुझे नजर आ रहा होगा कि कौन सा की वर्ड मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है और कौन सा कीवर्ड जो है वो मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा जिसपे क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर नहीं मुझे आ रहे लोग क्लिक तो कर रहे हैं मेरी प्रोडक्ट पे लेकिन मुझे सेल नहीं आ रही तो फिर उस वर्ड को जो है ना वो मैं डिलीट कर दूंगी यानी सामने ऑप्शन होगा नेगेटिव टारगेटिंग का मैं उसको नेगेटिव टार्गेटिंग में डालती जाऊंगी सो बेसिकली बेसिकली ना मैंने इस तरीके से जो है ना ऑब्जर्वेशन रखनी होती है कि मेरी जो है ना वो मुझे मैं, हमने जस्ट एनालाइज करना होता है कि किन कीवर्ड पे हमें सेल आ रही है और मेन पिक्चर जो है ना वो बड़ी इंप्रेशन इंप्रेसिव होनी चाहिए जब आपके पास कोई क्लाइंट पीपीसी के लिए आए तो आपने उससे पूछ लेना है कि आपकी प्रोडक्ट की मेन इमेज मुझे दिखाओ अगर उसकी मेन इमेज अट्रैक्टिव है तो देन ही आपने पीपीसी चलानी है अदरवाइज ये पीपीसी का टास्क आपने टास्क आपने लेना ही नहीं है ठीक है अगर आपको अगर कोई भी कीवर्ड मिसाल के तौर तो पर आपने कीवर्ड यहाँ पे ऐड करके तो कंपेन चलाई है और कोई भी कीवर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो इट्स मीन की ये जाहरी सी बात है कि आपकी लिस्टिंग में मसला है फिर आप क्लाइंट को बोलेंगे जाहिर सी है। है? बात आपकी लिस्टिंग में वो कीवर्ड्स ऐड ही नहीं है जो अमेजोन जो है वो उस, उसके मुताबिक चल ही नहीं रहा ठीक है एल्गोरिथम तो इसी तरह है ना कि बीबीसी तो इसी तरह रन करेगा कि आपके कीवर्ड को देखते हुए आपकी प्रोडक्ट को रैंक करेगा तो फिर आपने उसके यानी कि या तो फिर बुलेट पॉइंट्स में मसला होगा या डिस्क्रिप्शन में मसला है इसीलिए फिर आपकी पीपीसी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर का रही तो आपने क्लाइंट को कहना है पहले वेल ऑप्टिमाइज्ड अपनी लिस्टिंग क्रिएट करे करो देन यानी कि जब वेल ऑप्टिमाइज हो जाए तो फिर मैं पीपीसी चलाऊंगा और एक और चीज कि अगर लेट सी के आपका जो है ना ये पिक्चर ही अच्छी नहीं है तो देन डेफिनेटली वहां पे भी आपके लिए प्रॉब्लम है फिर वो आप नहीं कर सकते यानी कि आपने कहना है कि आप किसी अच्छे फोटोग फ्ता, को हायर करके तो एक अच्छी सी वेल पिक्चर हो और अप्टि, आपकी लिस्टिंग हो देन मैं आपका कंपेन वाला काम लूंगा लूंगी सॉरी या लूंगा ठीक है अच्छा इस तरह से है कि अभी लेट्स सी कि हमने पढ़ा है कि हमने मैनुअल टार्गिंग में कीवर्ड टार्गटिंग जो है ना कीवर्ड टार्गिंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा अब हम देखें प्रोडक्ट टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से जो है वो कंपेन क्रिएट करते हैं पीछे वाला प्रोसेस सेम कि आप क्रिएट कंपेन में आप नेम राइट करेंगे जाहिर सी बात है मैनुअल रेंगे कर, करने जा रहे हैं और मैनुअल आप यहाँ पे राइट करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आप यानी वहां पे मेंशन करेंगे डेली बजट ट्वेंटी डॉलर ठीक है उसके बाद मैनुअल टारगेटिंग है ठीक है मैनुअल टारगेटिंग में मैंने हमेशा आपको बताया कि कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज में डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ही आप रखेंगे इसके बिहाइंड जो रीजन है वो भी मैंने आपको बताई अगर आपकी लिस्टिंग कोई वेरिएशन uh, होएगी तो आपने ऐड करनी है अदर देन डैड आपने ऐड नहीं करनी प्रोडक्ट्स अब देखिए दे, देखिएगा कि हमने क्या किया कि बेसिकली वो तो प्रोडक्ट वाला तो डेफिनेटली आपका डिपेंड करता है कि आपकी अगर वेरिएशन होगी तो देन लिस्ट में प्रोडक्ट में आप एसन राइट करेंगे एसन के पॉइंट हो ग्यू से फिर यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होगी उसको आप एड करते जाएंगे नेक्स्ट टार्गेटिंग uh, जो है ना वो हम चला रहे हैं तो प्रोडक्ट टार्गेटिंग में ये देखिएगा नीचे प्रोडक्ट टार्गेटिंग हम किस तरह से चलाते हैं सबसे पहले आपने प्रोडक्ट टार्गेटिंग में ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आके आपने एंटर लिस्ट पे क्लिक करना है अच्छा यहाँ पे आपने कौन से एस एंटर करने हैं आपने टॉप टॉप टेन जो एसन होंगे ना टॉप टेन सेलर्स के एसन वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं आपको पता है कि हीलियम टेन में या जंगल स्काउट के थ्रू हम टॉप टेन के जो है ना एसेंस वो इजीली टॉप टेन सेलर्स के एसन इजीली हम वहां से लेके यहाँ पे ऐड कर, कर हैं ठीक है आपने यहाँ पे ऐड करने हैं और इसके बाद आपने ऐड करके ना तो ये नीचे जो है ना लॉन्च कंपेन यहाँ पे क्लिक कर देना लॉन्च कंपेन और ये आपकी एक कंपेन क्रिएट हो जाएगी प्रोडक्ट टार्गेटिंग के पॉइंट व्यू से सेकेंड आपने क्या करना है पीछे सेम मेथोडोलॉजी है ये हमने ना फोर्थ वन अपनी कंपेन क्रिएट की है फोर्थ वन अभी फिफ्थ वन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे सेम प्रोसीजर जो पीछे आपने रिपीट किया है ट्वेंटी डॉलर आपने सेलेक्ट की बिडिंग और इसके पॉइंट व्यू से आप नीचे सेम लाइक दैट प्रोडक्ट टार्गेटिंग करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपने कौन से ऐसन एंटर करने हैं वो वाले सेलर जिनके रिव्यूज एंड रेटिंग आपकी प्रोडक्ट से कम होंगे अमेजोन ना जब आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट हुई होगी ना इस अकाउंट पे आप, आपके क्लाइंट के अकाउंट पे जारी सी बात है पीपीसी आप रन करने जा रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट uh, कर रही है ना तो अमेजॉन ना यहाँ पे आपको खुद भी सजेशन दे रहा होता है ठीक है मैं तो आपको इस अकाउंट डमी के थ्रू करवा रही हूँ ये ये है। है? कर तो हमारे ना कम्पेटिटर शो कर रहा होगा हमने उन कम्पेटिटर को चूज करना है जिनके रिव्यूज एंड रेटिंग हमसे कम होंगे हमने उनके जो है ना एसन यहाँ पे राइट करके ना तो क्रिएट कंपेन पे जाके तो लॉन्च कंपेन कर देनी है तो इस तरह इट्स मीन की ये हमारी फिफ्थ वन जो है कंपेन रेडी हो जाएगी यानी पांचवी जो है कंपेन हम चला चुके होंगे अच्छा अब ये हो गई यानी कि फिफ्थ वन कंपेन हमारी सिक्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे पांच से छह ही हमने क्रिएट करके तो एनालाइज करना होता है कंप्लीट डाटा को अच्छा ये देखिएगा कीवर्ड टारगेटिंग में कीवर्ड टार्गिंग यानी कि तीन तरह के हम चलाएंगे कीवर्ड टार्गटिंग आगे मैंने दो तरह के आपको रन करके बताई है ये तीन तरह की इस तरह से है कि हमने ना जो ए एम जी सुजेशन एक्सपेंडर मैंने आपको बताया था ना टूल है उस टूल के थ्रू जो है ना हमने देखना होता है कि लॉन्ग टेल की वर्ड कौन कौन से हैं यानी बेबी डिटॉवल आपने राइट किया एमेजोन के सर्च बार में और ए एमजी सुजेशन एक्सपेंडर जो है वो यानी आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था या एक्सटेंशन को डाउनलोड किया हुआ था अब उस एक्सटेंशन की वजह से ना आपके मेन कीवर्ड के से रेलिवेंट कितने keyword Amazon शो का रहा होता है है वो keyword वो जो extension है उसकी वजह से वहां से आपने ना लॉन्ग टेल कीवर्ड देखने हैं कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे ना वो सारे पकड़ के ना आपने पीछे कंपेन जिस तरह से कीवर्ड टार्गिंग की हमने चलाई है उसी तरह से यानी कि आपने चलानी है सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करते हुए आपने यानी कि एंटर लिस्ट में आके ना तो वो वाले कीवर्ड को एंटर कर देना है जो लॉन्ग टेल की होंगे तो उन पे आपने एक कंपेन चला देनी है लॉन्च कंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपेन जो है वो चल जाएगी सो ये हो गया कि हमने आज कंपेन क्रिएट करने देखी है कि क्रिएट कंपेन हम किस तरह से करते हैं छह तरह की क्रिएट कंपेन जो है वो मैंने क्रिएट करके आपको बताई है कि हम इस इस तरीके से यानी कि अपनी कंपेन को क्रिएट करेंगे अच्छा लेट्स हमने uh, अपनी कंपेन uh, जो है वो क्रिएट कर ली नेक्स्ट हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे डाउनलोड करके हमें पता चल जाएगा को कौन सी कंपेन हमारी uh, यानि कौन से कीवर्ड पे हमें सेल आ रही है और हमें ना पता चल जाएगा कि ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में किन किन कौन कौन से कीवर्ड किस में काम कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड कितनी सेल लेके आ रहे हैं कितनी कन्वर्जन आ रही है उनकी और यानी कि ओवरऑल रिपोर्ट जो है ना वो हमारे सामने होती है हम उसको देख लेते हैं कि हम रिपोर्ट को किस तरह से डाउनलोड करते हैं आपने सैलरी सेंटर में आना है और अच्छा जी ये देखिएगा हमने सैलरी सेंटर में आके तो एडवरटाइजिंग यानी कि रिपोर्ट पे क्लिक करना है एक सेकेंड ये देखिए रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपने आना है और एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है देन आपने क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है ठीक है अच्छा यहाँ पे आपने जो क्रिएट की होगी ना रिपोर्ट वो किस तरह से आपको शो होगी कि आपने यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर क्लिक करना है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर ही आपने रहने देना है ठीक है स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर क्योंकि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट चला रहे हैं ना ही हम ब्रांड वाली चला रहे हैं ना हम डिस्प्ले वाली चला रहे हैं अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि यानी कि ये टाइम डेली ठीक है डेली की आप करने जा रहे हैं सर्च सर्च टर्म जो है ना वो बेसिकली आप Uh, वाली क्लिक uh, करेंगे उसके बाद लास्ट थर्टी डेज अगर इट्स अप टू यू कि आप कितने डेज की रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डाउनलोड रिपोर्ट कर ले uh, यहां से एडजस्ट कर लेनी है कि मुझे लास्ट थर्टी डेज की चाहिए या टू मंथ की चाहिए या वन वीक की चाहिए जितनी भी आपको चाहिए आपने uh, यानी कि वो सिलेक्ट करके और रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है ठीक है रन रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी कि लास्ट थर्टी डेज की आपने शेड्यूलिंग पे लगाई थी कि मुझे इतनी चाहिए और उसका ना तमाम डाटा यहाँ पे ये यह डाउनलोड अभी तो ये क्रिएट नहीं की हुई मैंने तो इसलिए ये डाउनलोड का ऑप्शन ब्लू नहीं आ रहा यहाँ पे ब्लू का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा आपने वहां पे क्लिक करना है तो आप, आपकी ना ये फाइल एक्सेल फॉर्म में ना आपके पास डाउनलोड फॉर्म में आ जाएगी सो so, इस तरीके से आप ना अपनी जो जो है वो जो है वो वो इजीली डाउनलोड करके तो देख सकते हैं कि किन किन आ, कीवर्ड पे मुझे कन्वेजन आ रही है और किन की को मुझे नेगेटिव फ्रेज में डालना चाहिए ताकि ताकि मैं उनकी बिडिंग से बच सकू जाहिर सी बात है जो जिन कीवर्ड पे आपको सेल नहीं आ रही तो इट्स मीन सिर्फ क्लिक पड़ रहे हैं तो फिर Amazon तो डिडक्ट करेगा आपके पैसे ठीक है है जितनी आपने की हुई तो फिर हमने उन की को रिमूव करना होता है ताकि हम एक्स्ट्रा जो हमें पढ़ने हैं बिला वजह पैसे पढ़ने हैं या बिला वजह ब्रिडिंग के पैसे जो चार्जेस हमें पढ़ने हैं उनसे हम सेफ हो सके सो so इसलिए हमने ना इसको पीपीसी रन करने के बाद हर तीसरे या तीसरी तीसरी चौथे हफ्ते हमने ना कंप्लीट एनालाइज करते ही रहना होता है कि किन किन कीवर्ड पे हमें सेल आ रही है या फिर हम कीवर्ड को मॉडिफाई करते रहते हैं कि कीवर्ड को चेंज कर करके हम ऐड कर करके -कर कर -कर देखते हैं कि मे बी कौन सा कीवर्ड हमें ज्यादा सेल दे रहा है या कौन सा कीवर्ड हमें कम सेल दे रहा है जो कीवर्ड बिल्कुल सेल नहीं दे रहा डेफिनेटली उसको हम निगलेक्ट करते हैं और जो कम सेल दे रहा है लेकिन कन्वर्जन हमें ज्यादा पा रही है और हमें ज्यादा बिडिंग के चार्जेस पा रहे हैं तो हम उस कीवर्ड को भी डिलीट करते हैं सो so होपफुली ये आज का लेक्चर था कि हम कंपेन को किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसके बाद डाउनलोड किस तरह से करते हैं अच्छा अब ना मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और जो है ये अभी जो है ना ये आपकी तरफ से आवाज आई है <laughs> फरवा अपना माइक ऑफ करें मैं कह रही थी शायद मेरे कंप्यूटर से आवाज है बट फरवा के लैपटॉप से आ रही है अच्छा जी इस तरह से है कि हम इस तरह से डाउनलोड करेंगे अपनी कंपेन को और हर तीसरे से चौथे हफ्ते जो है ना हम अपनी कंप्लीट रिपोर्ट डाउनलोड करके तो एनालाइज करेंगे और इसके मुताबिक जो है ना हम देखेंगे कि किन की वर्ड पे हमें सेल आ रही है उनको डिलीट कर उनको रख ले रख लेंगे सेव कर लेंगे उन्हीं पे आगे फर्दर जो है ना वो करते रहेंगे काम और जिन पे नहीं आ रही डेफिनेटली उनको नेगेटिव फ्रेज में हम डाल देंगे अच्छा इस तरह से है कि मैं आपको ना एक मिनट थोड़ा सा और आइडिया शेयर करती हूँ बेसिकली नो डाउट आज का लेक्चर ये थोड़ा आपके लिए टफ होगा लेकिन आपने इसको रेपिटेशन पे देखना है तो इनशाला होपफुली ये आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे अच्छा एक एकॉस के बारे में ना थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ये एक क्या चीज है एक एकॉस स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल ये सबको आवाज आ रही है ओके yes. yes, yes, okay. अच्छा एक कॉस्ट बेसिकली क्या है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है फॉर सेलर द एमेजॉन इज द की टर्म फॉर मयरिंग द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ पी पी सी एड यानी पीपीसी से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है वो उसको हमें मिसाल के तौर पर आफ्टर अपलाइंग यू गैट नो डेट हाउ मच यू अर्न फ्रॉम पीपीसी कंपेयर टू हाउ मच यू स्पेंड ऑन दम यानी आपने कितने स्पेंड किए थे और इन रिटर्न आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है डेट इज कॉल्ड ए कॉस ठीक है अभी एक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि कॉस्ट टोटल टोटल स्पेंड ओवर रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जितना स्पेंड कर रहे हैं और कितना रेवेन्यू आ रहा है उन पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हे टोटल एड रिप्रेजेंट अमाउंट स्पेंड बा हजार डॉलर फॉर एडवर्टाइजिंग सेलिंग देखे अब इसको ना कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला के एड स्पेंड पांच सौ डॉलर है और रेवेन्यू हमें कितना आया है दो हजार डॉलर एक जितना हमने स्पेंड किया होता है ना पांच सो डॉलर उसको डिवाइड करते हैं जितना हमें रेवेन्यू आया होता है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो जो परसेंटेज आती है ना वो हमारी एकॉस होती है यानी हमने कितना एमेजोन पे जो है ना वो लगाया था स्पेंड किया था बिडिंग पे या पीपीसी पे और कितना हमें रेवेन्यू आया उसके नतीजे में तो वो हमारी होती है और एक जो यानी डॉलर मेड ट्वेंटी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग हम एवरेज लगा लेते हैं कि ट्वेंटी सेंट जो है ना वो हर एक एडवर्टाइजिंग पे हमारी ये इतने इतने परसेंट जो है ना वो हमारा एडवर्टाइजिंग पे लगेगा ठीक है सो so ये हमारी कॉस्ट है है कॉस्ट कॉस्ट बेसिकली हमें हमें फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन बता देती है कि हमें कितने यानी कि कितने परसेंट जो है ना वो पीपीसी हमें पीपीसी के लिए हमें बजट रिक्वायर है कितना लगाना पड़ेगा जहरी सी बात है जितना हम लगा रहे हैं उससे डबल हमें आना भी तो है लेट्स ये पांच सौ डॉलर हम लगा रहे थे दो हजार डॉलर हमें आया सो so इट्स मीन के जितना हम लगा रहे होते हैं उससे ज्यादा उससे बल्कि तीन गुना चार गुना ज्यादा हमें आया सो so, एक कॉस हमें यह बता रहा था अच्छा एवरी प्रोडक्ट एंड की वर्ड हैज डिफरेंट कॉस्ट एंड इज टाइम स्पेसिफिक सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डैट इफ यू हैव कीवर्ड अम्पेन इट विल परफॉर्म डिफरेंट कॉस्ट विद टाइम मेक श्योर टू अप्लाई बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मेंटेन योर कॉस्ट हमने एक कॉस्ट जो है ना वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही होनी चाहिए एक आस, एक आस बेसिकली हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना जो हमने पहले ही सिलेक्ट किया होता है सारी सी बात है, है। एकॉस जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन के बराबर हो तो ठीक है लेकिन इससे ज्यादा एकॉस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से कम जितनी हो वो ठीक है ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा होगी तो देन क्लाइंट के जेब से पैसा लगेगा जो कि डेफिनेटली हम लॉस में जाएंगे सो so बेसिकली हम देख लेते हैं कि एकज को रिड्यूस हम किस तरह से कर कर सकते हैं कि टू टू हाउ रिड्यूस यूज़ डिफरेंट वर्ड मैचिंग स्ट्रेटेजीज एकॉज को स्लो uh, डाउन करने के लिए लो डाउन करने के लिए हम किस तरह कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं यू नीड टू प्योर प्योरटाइज योर लिस्टिंग विद क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट आपने अपनी लिस्टिंग में क्वालिटी ऐड करनी होती है ताकि आपकी आपकी ज्यादा से ज्यादा से सेल आए क्वालिटी अच्छी हो तो देन डेफिनेटली सेल आती है व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग लीड द कस्टमर टू योर प्रोडक्ट पेज यू मस्ट प्रोवाइड डिटेल दैट आर रेलिवेंट टू योर कीवर्ड सिलेक्शंस आपने ऐसे ऐसे लिस्टिंग में कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं ना जिनकी बेस की बेस पर आपकी प्रोडक्ट रैंक करनी है अदर देन डैट अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है तो प्रोडक्ट कभी भी है और कल मैंने आपको मेंशन भी किया था लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है ना उसमें सिर्फ की ही एड करने नहीं सिर्फ आता उसमें आपकी लिस्टिंग की टाइटल भी आ, आई कैचिंग होना चाहिए आपका इमेज भी आई कैचिंग होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर रेलिवेंट लीड्स यू मस्ट ऑप्टिमाइज योर टाइटल टू अट्रैक्ट मोर लीड्स टू योर पेज टाइटल आपका आपका बहुत बहुत होना होना चाहिए, इमेज की uh, uh, no. ke जो है ना वो अगर काम ना कर रहे हो तो फिर हमने बिडिंग के थ्रू देखना होता है कि क्या हमारी बिडिंग काम करती है कि नहीं Yarni, हमारी हमने जो बिड सेट की हुई है कीवर्ड टार्गिंग में या प्रोडक्ट टारगेटिंग में या ऑटोमेटिक में तो अब क्या वो की पे हमें सेल आ रही है या नहीं तो ये डिपेंड करता है हमारी पे कि हमारी बिडिंग जो है ना वो और डेफिनेटली अगेन रिपीट करूंगी जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है अगर जितनी बिडिंग आपकी हाई हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेल भी आती है सो so, uh, ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कि बेसिकली हमने जो है ना वो आज के लेक्चर में पढ़ा कि हम कंपेन क्रिएट uh, किस तरह से करते हैं एंड देन एक बेसिकली जो है वो उसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है क्योंकि हम, हम हमारा मार्जिन होता है कि एक्स जो है ना वो हमारा ट्वेंटी फाइव से कम रहे अगर ज्यादा बढ़ गया तो इट्स मीन हमें जो है ना वो डेफिनेटली क्लाइंट के जेब से पैसा लगेगा हमें हम लॉस में जाएंगे और स्टार्टिंग पे कोई भी जो है ना वो लॉस में नहीं जाना चाहता हर एक सेफ मोड पे रहना चाहता है सो डेट्स वे जो है ना वो हमने इस तरह से इसको रिड्यूस करना होता है और रिड्यूस किस तरह से करते हैं ये सारे टेक्टिक्स मैंने आपको बताए किस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं अच्छा स्टूडेंट इस तरह से है कि आपको कोई भी क्वेरी हो आप कर लीजिएगा और देन uh, अभी हमारे पास इस रिकॉर्डिंग का टाइम है परवा लगता है क्लास आ में आज नहीं है किसी नाम में वही इसी आ रहा था कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्ड सर्च करने में एक पूरी फाइल आ रही है एक सेकेंड परवा माइक ऑफ रखिए अपना आपको भी परवा की आवाज आ रही है जी मैम बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना यस यस मैम आ रही है बहुत ज्यादा हाँ जी और ये देख ले हाल अपना देख ले परवा एक सेकंड मैं इसको निगलेक्ट ही करती हूँ क्लास में से पर वह अभी आपकी आई ना तो मैं आपको क्लास से जो है ना वो कर दूंगी so, खुद ही हो गई है चले जी आप इस तरह से है? कि आपकी क्वेरी है तो आप करें मानू क्या कहनी थी आप मुसरत शायद जी जी मैम मैं, मैं यही कह रही थी जो मैंने आपसे कल कहा था ना डिस्कस किया था का, कि वो इशू मुझे फिर से आ रहा है अच्छा वो की, आपको अगेन जो है वो हो रहा है ठीक है अच्छा इसका फिर मैं हल जो है वो सोचूंगी या फिर मैं कंफर्म करूंगी किसी एक्सपर्ट से या जो भी मेरे टीम मेंबर है मैं उनसे कंफर्म करके फिर मैं आपको ना गाइड गाइडलाइन दूंगी कि इसका क्या हल हो सकता है ठीक है ठीक है मैंने कहा कि आपने कहा था ना फिर से करके देखिए शायद तो उसका इशू तो मैंने फिर से अभी करके देखा था यानी कि शाम में तो वो इशू है मैंने कहा मैं क्या फिर? वो फिर से पूरे के पूरे थ्री थाउजेंड जितने कीवर्ड्स वर्ड मैंने सर्च किए थे वो फिर से आ गए कैंसिल आउट करने के बावजूद फिर मैंने कहा या तो फिर मैं इस तरह से करूं सेकेंड ऑप्शन कि मैं पूरी फाइल को एक्सपोर्ट कर लूं एक्सेल में और फिर डायरेक्ट एक्सेल से ही आ, मतलब रिमूव करना शुरू कर दो नहीं नहीं वो तो फिर बड़ा ही टाइम लग जाएगा यहाँ पे जरा क्रॉसिंग के थ्रू इजीली हो जाता है अच्छा मैं ना कल काफी बिजी रही मैं इसलिए कर, कर नहीं पाई इंशाल्लाह ये मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करके भी देखूंगी साथ में किसी एक्सपर्ट से ना पूछ के कंफर्म करके तो ये क्यों इशू आ रहा है मे बी सम टाइम टूल का इशू होता है या क्या कभी वैसे मैंने पहले नहीं सुना ये इशू ना तो मैं आपको कंफर्म करके इनशालाउजेंड से अब वाला की लेंगे हाँ जीजेक्ट क्यों वही वाला की वर्ड वैसे बता क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत डिले हो रहा है नहीं वही मैम मैं कहने लगी थी मुसरत ना अभी ऑनलाइन अगर करके देख ले तो शायद कुछ चीजें चीजे मैं, मैं दिखा, दिखा दे ताकि ताकि पता चल के मुसरत ही है ठीक है ठीक है हाँ जी फरवा अब आ रही है पहले क्या हो गया था मैम मेरे लैपटॉप में ना कोई वो मतलब माइक का ना कोई इशू आया हुआ है मतलब उसकी सेटिंग चेंज हुई हुई है मैंने खुद ही कोई इशू किया आई थिंक सो मैं अभी थोड़ी देर तक चेक करती हूँ तो वो इसलिए माइक में से आवाजें आ रही थी शायद आपको अच्छा मुझे ये पूछना था मैम आप यूट्यूब पे जो वीडियो एड करती है ना वो तो बीच में से मतलब स्किप होती है थोड़ी सी पीपीसी की ये पूरी वीडियो आप दे सकती है अगर आप यूट्यूब पे नहीं अपलोड करती कोई इशू नहीं आप व्हाट्सएप कर दें या किस तरीके से सेंड कर दें हमें जी जी इनशाला फुल कंप्लीट वीडियो आपको शेयर होगी इवन दो तो ये क्वेरीज जो आ रही है ना ये भी मैं शेयर करूंगी ठीक है तो <coughs> इनशाला <coughs> एक तो पता नहीं क्यों हो जाता है डिपेंड करता देखती हूँ अगर तो ये मैं ड्राइव पे कर पाई क्योंकि ये है पर लॉन्ग वीडियो और मे भी ड्राइव पे ना हो पाए और हो गई तो डन उधर कर दूंगी बल्कि ड्राइव पे भी मैं कर दूंगी यूट्यूब पे भी करूंगी वो आपकी चॉइस होगी आप तो ट्रांसफर करने का वही पता नहीं कौन से है, उसके जरिए जितनी बड़ी बड़ी फाइल होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ई के जरिए मैं आपको बताती हूँ आप काइंडली मुझे उससे ट्रांसफर कर दीजिएगा बिकॉज मुझे ये वीडियो क्योंकि बीच में से मेरे नेट का भी इशू है बीच में से मैं स्किप हो गई है मेरी वीडियो मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए ये वाली बिकॉज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था चले ठीक है

लेकर चल रहे हैं तो शायद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें वो मिल जाता है कम्पिटिटर एनालिसिस का तो उसका भी पार्ट टू थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है ठीक है बाकी तो सब कुछ है होता तो सब कुछ है माशाल्लाह से हाँ। बस तो तो ऊपर नीचे हो जाता है और मैम प्लीज नोट्स भी सेंड कर दें नोट्स भी सेंड कर दें मैम प्लीज जो पिछले रहते हैं सारे अच्छा ठीक है वो कल ही मैंने करने थे एक्चुअली ना ना क्लास के बाद हिम्मत नहीं हो रही होती कि लैपटॉप दोबारा मैं ऑन करूं तो फिर नुँ। नुँ। उसके बाद जो है ये आज क्लास थी तो इस वजह से ना मैं वो वही ना टाइम मैनेज करना थोड़ा औखा हो जाता है मैं होपफुली आज ट्राई करूंगी नहीं तो मैं कल जरूर कर दूंगी ठीक है ठीक है जरा मुस्कर हो गई ना जरा अपना वो जरा प्रॉब्लम

अच्छा अच्छा के दौरान हुई है 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 ना उसमें भी मुझे मिला है, मुझे उसका मुझे भी, भी मिला। नहीं। मुझे मुझे पार्ट पार्ट मिला आपके पास से हो तो होगा तो, तो वो ऊपर नीचे हो गया होगा ना मिलता नहीं है चलो कोई आपको मैं सेंड कर दूंगी ठीक है तंग कर रहे होते है

तो आप मुझे पूरी की पूरी जितनी मर्जी लंबी वीडियो वीडियो उसके जरिए आप मुझे मेरी सेंड कर सकते हैं मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगी तो आप उसके जरिए इजीली सेंड कर सकते हैं जितनी मर्जी बड़ी वीडियो और जितनी मर्जी जी की एस एमबीस की हो, हो। चले ठीक है ठीक है कोई इशू नहीं है वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगी आपको दे दीजिएगा बाकी ये कि वो फिर ये होता है ना कि एक एक ही जगह अपलोड हो जाए तो सबको मिल जाती है ऐसे इंडिविजुअल वे से करना मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो होपफुली कि मैं आपको कर दूंगी आगे कोई आप आपसे लेना चाहे तो नीज़ीग वो नीज़ीग आप उसको दे हाँ नीज़ीग नीज़ीग कि, ये हाँ सेकेंड थिंग बीबीसी का लेक्चर बिल्कुल बड़ी नहीं होना मैं आपको ड्राइव में भी फुल ट्राई करूंगी कर, कर और साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी ठीक है सो इनशालाप फुली ये हो जाएगा क्लियर मैम शेयर कर हाँ जी करें आप स्क्रीन शेयर करें एक मिनट मैं ना स्टॉप कर लू अपनी तो फिर आप करिएगा अच्छा सरत मैंने आपको होस्ट इन्विटेशन भेजा था ना मैं मुझे रिसीव नहीं हुआ नहीं इधर से मेरी तरफ से तो आपको मिल गया होगा आप एक्सेप्ट आपने शायद मैं भी एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक मेरी तरफ से तो सिर्फ होस्ट ही है मैम देखिए आ रहा है हाँ जी अब हो रहा है शेयर ना आपका अच्छा ये तो... देखिएगा मैंने जंगल स्काउट पे ये गार्लिक प्रेस कीवर्ड था इसको सर्च किया इसमें से फोर्टी वन सेलेक्ट करके मैंने एड टू यानी कि की लिस्ट में डाल दिया ठीक है कीवर्ड में इसको मैंने ऐड किया उसके बाद जैसे आपने कहा था कि डाउनलोड सी फाइल करें तो ये मैंने यहाँ से की थी ये भी जो अपलोड हो रहा है ये सम टाइम ना थोड़ा वो ले लेता है टाइम वगैरह ले लेता है मे बी सम टाइम नेट का इशू या टूल का पीछे से होता है कोई इशू कीवर्ड इम्पोर्टेंट एरर समथिंग वन टू पॉइंट 340 ने सिलेक्टेड है वो होने के वजह से पूरी की पूरी फाइल यानी कि डाउनलोड हो रही है अच्छा ये हीलियम में भी आपको आया है जी ये मुझे सेरिब्रो सेरिब्रो में आ रहा है। में है करें ना उधर देख लेते हैं इधर तो थोड़ा प्रॉब्लम रहा है वो इस टाइम पे नहीं इसमें से भी आपने कुछ जो आपके मतलब किए जी जी मैंने किए कुछ डिलीट नहीं किए मैंने जंगल पर सेलेक्ट जैसे नाम ने बताया ना, की जैसे कि मैंने सेरेब्रो में कैंसिल आउट करती हूँ आपके सामने ही करती हूँ अब ये देखिए मैंने जितने भी कर दिए हैं अब इसके बाद आपने कहा था, था इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लो अभी जो वैसे फाइल ओपन होगी ना वो तो सारे कीवर्ड आएंगे जो 50 पेजेस पे कीवर्ड थे तो वो तो पता ही नहीं चलेगा जो आपने डिलीट किया है मे भी वो एंटर हुए हैं कि नहीं तो लेकिन ये था कि इसमें ना जब आप डिलीट कर देते हैं ना तो आई डोंट थिंक सो कि वो दोबारा शो होते हैं अच्छा सर ने जंगल स्टाफ को देखना उस पर तो मैंने फोर्टी डिलीट किए हुए थे पूरे, की, पूरे की के पूरे ही मुझे यानी कि मैंने और भी किए थे पहले जैसे कि देखिए अभी इसमें से मैंने डिलीट किए हैं जंगल स्काउट में टोटल शो कितने हो रहे थे एट थर्टीन एट थर्टीन तो नीचे तक आओ ना नीचे तक चेक करो कि इतने आ रहे लेकिन एट नाइनटीन हाँ तो कुछ डिलीट हो तो गए हैं एट थर्टीन एट थर्टीन अच्छा हाँ इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो ये वाला कॉलम्स है ना ये भी इंक्लूडेड हो गया होगा

फाइल में वो कीवर्ड्स नहीं आ रहे थे ये इनके साथ ही इशू हो रहा है हाँ मैं भी वही कह रही हूँ ना कि देखिए अब वही लेट सी कि अगर आपके साथ नहीं इशू आ रहा तो फिर इनके साथ क्यों इशू आ रहा है ये यही तो समझ नहीं आ रही यस मैम मैंने अगेन अच्छा आज चेक तो किया और मुझे ये जंगल स्काउट में इशू आ रहा हो क्योंकि टोटल जो थे वो देखिए यहाँ पे टेन यानी कि यहाँ पे टेन सेवन सिक्स नाइन है सेलिब्रोम में और यहाँ पे मैंने तीन चार डिलीट किए थे अभी आपके सामने तो यहाँ पे तो टोटल आ रहा है जंगल तो तो स्काउट में लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे डिलीट हुए हैं क्योंकि सिर्फ जो है ऊपर सिर्फ इनका एक ही कॉलम ऐड है वो ये वाला फ्रेज वाला उसके बाद ठीक है अच्छा यहाँ पे फिर एनालाइज आप कर सकते हैं कि हीलियम टेन में ये प्रॉब्लम नहीं आई हीलियम टेन में जो है ना वो डिलीट हुए हैं लेकिन जंगल स्काउट में जो है ना वो फिर आपको और जंगल स्काउट में ना टाइम जहां तक मुझे याद है कि आपको ना कॉपी पेस्ट भी करने पड़ते हैं की अच्छा तो हाँ, क्यों हाँ, क्योंकि वहां से देखा मिलते ही हमें कम है वहाँ से नहीं इतने ज़्यादा मिलते जो हीलियम टैन हमें बता रहा होता है, है, है ना वो कॉपी तो पेश भी कर ले तो चलता है वो इसका मसला नहीं है चलिए ठीक है मैम तो इसका मतलब ये नहीं कि सेरेब्रो मैग्नेट में टाइम सारे उमिट करने है उसके बाद जो जमेने वो भी बचेंगे वही आएंगे और उसी की फाइल खोलेंगे जी जी एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही करना हमने और ना हीलियम में चाहिए था ना कि हम तो सेलेक्ट कर रहे थे सिर्फ हमें वही वाले कीबोर्ड्स चाहिए थे एग्जैक्टली exactly. और इधर जो है ना वो हमने इररिलेवेंट को डिलीट करके तो रिलेवेंट जो है ना उनकी फाइल तैयार करनी होती है नो no डाउट के ये अगर 10000 आ रहा है तो इसमें टाइम लगेगा हमें ठीक है फाइंड आउट करते इवन दो के अगर हमें लग रहा है कि ये मे बी रेलिवेंट है या नहीं उसको अगले पेज पे ओपन करके हमने उसकी लिस्टिंग पेज पे जाके तो देखना होता है ये प्रोडक्ट हमारे की से रेलिवेंट है इमेज या नहीं तो यानी टाइम तो लगता है लेकिन देखिए मिसाल के तौर पर एक लिस्टिंग अगर आपको इस टाइम पे लिस्टिंग का रेट जो है वो दस हजार है तो एक लिस्टिंग अगर दस हजार आपको प्रोवाइड कर रही है तो इट्स मीन ये अगर टाइम ले रही है दो दिन भी ले रही है तो आई डोंट थिंक सो कि ये बुरी है ठीक है तो वो फिर विद पैसेज ऑफ आप टाइम आपकी एक्सपर्टीज इस तरह की हो जाती है कि आगे जाके आपको ये चीजें फील भी नहीं होती ठीक है मैम मैं देखती हूँ चल मैं सिर्फ सैरब्रो को मैग्नेट पर करके देखती हूँ कि जंगल स्टार्ट में तो दो से तीन दफा इशू आ गया जी जी डेफिनेटली ये टूल्स हैं और टूल्स में तो थोड़ा बहुत इशू आता ही है चलो तो ठीक है थैंक यू जी जी बिल्कुल अच्छा आ, और किसी की क्वेरी है तो कर लीजिएगा ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगी और बाकी मैम जो आपने बीबीसी में डेली बजट सेट किया है या डेली बजट जो है ना वो टारगेटिंग और मैनुअल के दोनों के लिए डिफरेंट होता है, है मिसाल के, के तौर पर टारगेटिंग में हम दस डॉलर रख रहे हैं और मैनुअल में हमें बीस डॉलर रखना होता है किस तरह वेरी करता है ये थोड़ा so, हाँ जी ये टेन और ट्वेंटी ही रखना होता है वो अमेजोन फिर, uh, uh, फिर उसी मुताबिक जो है ना काट लेता है या फिर uh, हमने डा, डाउन अप्स एंड डाउन रखा होता है ना बिडिंग स्ट्रेटेजी में अप्स एंड डाउन तो उस पॉइंट अमेजोन पे देख लेता है हमने अमेजोन को कमांड दिया होता है कि अमेजोन अगर मैंने एक सिलेक्ट सेलेक्ट है लेकिन अगर लेट सी के आगे जाके तो दो दो भी काटनी पड़े तो आपने आ, अपनी मर्जी से जो है वो काट लेनी है लेकिन मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे आए तो वो फिर अमेजोन खुद ही जो है ना वो आगे पीछे करता रहता है यस yes, मैम और मैम ये जो आपने